सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दो बालिक अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, उनकी शादी में किसी तरह का हस्तक्षेप गैर कानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऑनर किलिंग और खाप पंचायतों पर रोक लगाने के लिए दिया गया है। इसमें तीन जजों की बेंच ने मिलकर यह फैसला सुनाया कि जब दो अलग समुदाय के लोग वयस्क हो जाते हैं तो वह अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। उनको किसी भी रिश्तेदार या तीसरे शख्स द्वारा धमकाने या हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी ने पिटीशन लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। पिटीशन में यह मांग करी गई थी कि अपराधों पर रोक लगनी चाहिए। उत्तर भारत और खास तौर पर हरियाणा में खाप पंचायतें इस तरह के अपने मर्जी के फैसले करती है और लव मैरिज करने वाले कपल को सजा देती है, जो कि गैर कानूनी है। खाप पंचायतों ने ऐसे लोगों का समूह होता है जहां एक गोत्र या जाति के लोग मिलकर एक खाप पंचायत बना लेते हैं जो 5 से ज्यादा गाँव के लिए होती है। इनको कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। इसके बावजूद भी गाँव में किसी तरह की घटना के बाद ये पंचायतें अपने ही कानून के ऊपर फैसला ले लेते हैं। यूपी में एक पंचायत ने लड़कियों की जींस पहनने और मोबाइल रखने को बैन कर दिया था। अब पंचायत में जींस और मोबाइल का यौन शोषण के लिए जिम्मेदार बताया था। इसके अलावा राजस्थान के नितारा गांव की खाप पंचायत ने एक महिला को एक शख्स के साथ रहने का आदेश दे दिया था। इसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद खाप पंचायतों के ऐसे मनमाने फैसले पर जरूर रोक लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद।